तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज हम आ गए हैं महाभारत की कुरुक्षेत्र की उस भूमि पे जहाँ पे भीष्म पितामह जी बाणों पे लेटे हुए थे युद्ध के दौरान, और यहाँ पे उनकी टेंपल बनाया हुआ है, यहाँ पे उनका जो भी समाधि है ओरिजिनल तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप आके यार दर्शन कर सकते हो। और ये बाण गंगा भी इसको बोला जाता है, और ये गाँव पड़ता है नरकातारी, और ये ब्रह्म सरोवर से यार अप्रोक्स 5-6 किलोमीटर के दायरे में होगा और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तो यहाँ पर आके यार आप उनके दर्शन कर सकते हो, उनकी जो समाधि है वो भी मंदिर के अंदर है, और पांडवों का मंदिर बनाया तो बहुत अच्छा मंदिर है यार। आप यहाँ भी ज़रूर विजिट करें और वीडियो एंड तक देखें पूरी जानकारी के लिए। ये ओरिजिनल समाधि है जी भीष्म पितामह जी की, प्राचीन समाधि। इसी जगह पर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मारकर पानी पिलाया था। 1 महीना 26 दिन बाणों की शैया पर लेटे रहे थे इसी जगह पर भीष्म पितामह जी। जो बाहर कुंड बना हुआ है वहां पर बाण मारा गया था अर्जुन ने, और गंगा यहाँ पर प्रकट हुई थी, इनके मुख के पास ये पाइप लगा हुआ था। इसी को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है, इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर इस समाधि के दर्शन करने के लिए आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, बाहरले देशों से बड़ी दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कि जब तक इस समाधि के कोई दर्शन नहीं करता उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये बिल्कुल ओरिजिनल टेम्पल है। ये 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी, नकुल, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, गंगा माता। ये गंगा पुत्र थे ना? हाँ जी, हाँ जी, गंगा पुत्र थे। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल टेम्पल है, जो बाहर है कुंड बना हुआ है वहाँ पर बाण मारा गया था, इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। बड़ी दूर दूर से हर स्टेट से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो फ्रेंड्स यार हम पहुंच चुके हैं नरकातारी गांव में, जो कि ब्रह्म सरोवर से 5-6 किलोमीटर के दायरे में है। और ये जगह यार काफ़ी प्राचीन टाइम से है, जब महाभारत युद्ध हुआ था तब अर्जुन के बाण भीष्म पितामह जी को लगे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे वो उनको बाण लगे हुए हैं और वो ऐसे लेटे हुए हैं, तो बाणों के सहारे ही। और अर्जुन, उनको प्यास लगती है जब, तो वो अर्जुन को बोलते हैं मेरे को पानी ला के दे। तो फिर कौरव लाते हैं, तो उन्होंने कौरव को मना कर दिया कि मैं तुमसे जल नहीं लूँगा। फिर अर्जुन को बोला मेरे को अभी जल चाहिए, तो अर्जुन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कुंड में तीर मारा था, तो यहाँ से ये पानी निकला था। तो इसको बाण गंगा भी बोला जाता है, और बहुत यार प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। आप आओ, पांडवों का मंदिर बना हुआ है और इनकी ओरिजिनल जो समाधि है वो अंदर है मंदिर में, तो आओ और दर्शन करो यार। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको आके एकदम महाभारत के सीन याद आ जाएंगे, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। तो अभी भी ऐसा लग रहा है हम उस टाइम में पहुँच गया है। तो आप देख सकते हो यार कितना अच्छा बनाया गया है ये, तो आप पास से देख सकते हो कैसे ये बाण बनाए और अर्जुन बनाए, और ये भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं और ये गंगा उनके मुंह में पानी जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये नरकातारी गांव है,
तो आप भी आना यार और वीडियो बताना यार कैसी है। थैंक यू सो मच यार। जब एक्चुअल में युद्ध हुआ था तो यहीं पे भीष्म पितामह जी लेटे थे, तो यही वो जगह है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने मंदिर बनाया और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे भी आप आओ यार और दर्शन करो। तो चलते हैं अभी यार नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।